हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल माई एडवाइस में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे GUI वॉलेट ऐप के बारे में और लाइव जो है सो मैं आपको DTH का रिचार्ज करके दिखलाएंगे। जी हां दोस्तों, लाइव आपको दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। अगर दोस्तों आप GUI वॉलेट एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप उसे रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं तो भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप अभी तक इस एप्लीकेशन को यूज नहीं कर रहे हैं, आप अगर DTH या मोबाइल रिचार्ज या कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी बिल रिचार्ज करते हैं, तो दोस्तों ये एप्लीकेशन आपके ये बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि दोस्तों ये एप्लीकेशन से आप जो है सो रिचार्ज करके कमीशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं लाइव आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप जो है सो GUI वॉलेट से रिचार्ज कर सकते हैं सक्सेसफुली। रिचार्ज मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों जैसे आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं, हम अच्छी तरह से जान लेते हैं इस GUI वॉलेट एप्लीकेशन के बारे में। अगर आप अभी तक इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस एप्लीकेशन को ओपन करके कि कैसे जो है सो इस एप्लीकेशन से पैसे कमा सकते हैं और कैसे जो है सो रिचार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, आपके सामने में खुल के कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको सबसे पहले साइन इन करने के लिए आपको 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों एक पासपोर्ट डालना है और एक MPIN डालना है। जी दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, आपको पासपोर्ट 2 बार क्रिएट करना होगा और उसके बाद जो है सो मोबाइल नंबर, पहले तो मोबाइल नंबर से साइन इन करना पड़ेगा, उसके बाद पासपोर्ट आपको 2 बार क्रिएट करना पड़ेगा और एक MPIN। जी दोस्तों MPIN का जरूरत पड़ता है, जब भी आप रिचार्ज करेंगे तो MPIN मतलब डाला जाएगा। तो MPIN भी 4 अंक का आप डाल सकते हैं। जी दोस्तों, तो वो चीज़ें आपको सबसे पहले क्रिएट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, मेरे पास अभी 333 रुपये 48 पैसे है और मैंने इससे पहले भी यहाँ से कई बार रिचार्ज मैं जो है सो कर चुका हूँ। जी दोस्तों, तो यहाँ से अगर आपको पैसे कमाना है तो पैसे कमाने के लिए दोस्तों आप यहाँ से अगर कोई भी रिचार्ज करते हैं तो उसका आपको कमीशन दिया जाएगा। और साथ साथ आप इन्वाइट एंड अर्न के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप अपने दोस्तों को अगर आप इन्वाइट करते हैं, अगर आपके दोस्त जो है सो यहाँ से मतलब आपके रेफर कोड से ज्वाइन हो जाता है, तो आपके दोस्त जो भी रिचार्ज करता है, किसी भी रिचार्ज मतलब किसी भी चीज़ का रिचार्ज करता है, तो उसका भी आपको कमीशन जो है सो दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है सो आप इस एप्लीकेशन से पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको यहाँ से DTH का रिचार्ज करके मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरा DTH रिचार्ज जो है सो आज लास्ट मंथ का लास्ट डेट है, तो मैं DTH रिचार्ज मुझे करना ही है। तो मैं सोचा क्यों ना आपको मैं लाइव दिखला दूँ इस एप्लीकेशन से रिचार्ज करके, ताकि आपको विश्वास हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको DTH का नीचे में ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों DTH के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आपको सब्सक्राइबर ID मतलब कि DTH की जो सब्सक्राइबर ID होती है वो आपको डालना होता है। उसका दोस्तों सिलेक्ट ऑपरेटर मतलब टाटा स्काई है या एयरटेल है, DTH है, जो भी है वो आपको डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अमाउंट डालना है। जी दोस्तों, अमाउंट जो है सो मिनिमम 10 कर दिया गया है, तो 10 रुपये भी मिनिमम आप यहाँ से जो है सो मतलब रिचार्ज कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, तो आप चाहे तो मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल रिचार्ज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको DTH का रिचार्ज करके बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों मेरा DTH रिचार्ज जो है सो खत्म होने वाला है, तो मुझे करना ही है, तो इसलिए मैं भी DTH का रिचार्ज ही करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर अपना ID डाल देता हूँ। मेरा ID है 1154-65-05। जी हां दोस्तों, उसके बाद मैं यहाँ पर ऑपरेटर चुन लेता हूँ, मेरा है टाटा स्काई। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अमाउंट, तो अमाउंट में दोस्तों मेरे पास 333 रुपये है और मेरा मंथली जो है सो 335 का है, तो मैं यहाँ पे 330 का रिचार्ज मैं करने वाला हूँ। जी दोस्तों, तो चलिए 330 मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक बार कंफर्म करने को बोला जाएगा कि आपका कंफर्म करिए आपका क्या है, यहाँ पर ऑपरेटर भी सब चीज़ ठीक ठाक है दोस्तों, तो कंफर्म के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए इंटर योर MPIN, यहाँ पर MPIN मांगा जा रहा है, तो MPIN चलिए हम अपना MPIN जो है सो यहाँ पर डाल देते हैं। दोस्तों मैंने अपना MPIN जो है सो यहाँ पर डाल दिया है और यहाँ पर प्रोसेसिंग में है। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रोसेसिंग में है और कितनी देर में जो है सो ये सक्सेसफुली हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो को कट मत कीजिएगा, अगर आपको लाइव देखना है तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर सक्सेस हो चुका है। सक्सेस का मतलब कि दोस्तों यहाँ पर मेरा रिचार्ज जो है सो सक्सेसफुली हो चुका है, रिचार्ज आज सक्सेसफुली जो कि आपको नजर आ रहा होगा। जी दोस्तों, तो इसका डिटेल्स जो आप देखना चाहते हैं तो व्यू डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसका पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। जी दोस्तों, देख लीजिए मुझे कैशबैक जो है सो 6 रुपये 60 पैसे मिले हैं, यानी कि 6.5 रुपये से कुछ ऊपर रुपये जो है सो मुझे मिला है 330 रुपये का मैंने रिचार्ज किया। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप रिचार्ज करके कमीशन भी प्राप्त कर सकते हैं। देख सकते हैं नीचे में दोस्तों कैशबैक जो है सो मुझे मिला है 6 रुपये 60 पैसे और यहाँ पे आपको सारा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा कि आपका ऑर्डर ID क्या है, अमाउंट कितना है, पेमेंट ID क्या है, पेमेंट मोड क्या है, नंबर क्या था,
ऑपरेटर आईडी क्या है, ये सभी चीज़ें जो है सो आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। आपको कितना कैशबैक मिला है वो सभी चीज़ें जो है सो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों मैंने 333 मेरे पास 333 रुपये 48 पैसे थे, जिसमें 330 का मैंने रिचार्ज किया, तो 3 रुपये बचने चाहिए, लेकिन मेरे पास है 10 रुपये, क्योंकि दोस्तों मुझे कैशबैक भी मिला है 6 रुपये 60 पैसे का। जी दोस्तों, तो दोस्तों आपको विश्वास हो गया होगा कि ये एप्लीकेशन जो है सो 100% रियल है। और हाँ दोस्तों, मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि आप डायरेक्टली ऐसे ही रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। हम जैसे ही इसे लॉगिन कर लेते हैं, साइन इन करते हैं, तो आपको एक KYC करना पड़ेगा। तो KYC करने के लिए दोस्तों आपको करना क्या है, हेल्प के ऑप्शन पर जाना होगा, और हेल्प के ऑप्शन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर जो है सो एक ईमेल आईडी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इस ईमेल आईडी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और ईमेल आईडी के ऑप्शन पे आप मतलब ईमेल आईडी को आपको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको जो है सो इसी ईमेल आईडी के पे जो है सो आपको अपना फोटो, सेल्फी वाला फोटो एक भेजना है, एक पैन कार्ड का फोटो डालना है, एक आधार कार्ड का फोटो आपको डालना है अपने मोबाइल नंबर के साथ, इसे जो है सो भेजना है। उसके बाद दोस्तों आपको रिचार्ज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, बिल पे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, मनी ट्रांसफर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, अकाउंट ऐड फंड से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो यहाँ से क्रिएट टिकट पे क्लिक करके आप जो है सो इसका टिकट आप कंप्लेन कर सकते हैं, यहाँ पे अपना टिकट जो है सो ये क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर कीजिए, और अभी तक आप माई एडवाइस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, और साथ में बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ दोस्तों, मैं एक बात आपको बताना भूल गया, मैंने अपना एक टेलीग्राम चैनल ओपन किया है। अगर दोस्तों आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या कहीं भी जाके कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, और उसके बाद जो है सो पसंद करते हैं, उसके बाद खरीदते हैं, तो दोस्तों वहाँ जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल के जरिए ही कोई भी प्रोडक्ट जो है सो देख के पसंद करके खरीद सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है सो मैं ढूंढ ढूंढ के प्रोडक्ट लाता हूँ। जिन दोस्तों जो भी बेस्ट डील का प्रोडक्ट रहता है, चाहे वो अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, या मॉल 19 हो, या अजोरा हो, सभी जगह जाके मैं बेस्ट डील वाला प्रोडक्ट जो है सो ढूंढ के लाता हूँ, उसका लिंक और फोटो जो है सो मैं वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, और जहाँ से दोस्तों आप आसानी से प्रोडक्ट देख के खरीद सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ जाके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।